मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए वो मैं बोल रहा हूं। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार अक्सर सरकार और मीडिया की आलोचना करते दिखाई देते हैं। वह गोदी मीडिया का जिक्र अक्सर अपने प्राइम टाइम और भाषणों में करते हैं। न्यूज 24 पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें रवीश कुमार का इंटरव्यू हुआ। इस इंटरव्यू में मौजूद पत्रकारों ने मीडिया को लेकर सवाल पूछे जिस पर रवीश ने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिए। सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो बहुत तो सारे लोग कहते हैं बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद करो। वो दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आईटी सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं। लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है। कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में ही 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है। वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। तो आप ऐसे टीवी को देखना चाहते हैं? मीडिया साष्टांग हो गया है, खत्म हो गया है। वो पहले खत्म हो गया था 2014 के पहले, तो वो तालिबान आ गया, तालिबान चलता था हर चैनलों पे, एक चैनल पे दिन रात चलता था कि 2012 में दुनिया खत्म हो गई है ना। और कोई कोई एंकर भूतों के यहाँ चले जाते थे खंडर में कि भूत खोज रहे हैं रात को। अभी भी खोज रहे हैं वो, अभी भी खोजते हैं। मैं तो अब टीवी नहीं देखता, लेकिन अब बताइए अभी भी खोज रहे हैं। आप देखिए कि कोई पुलिस का प्रोटेक्शन नहीं है। लोग खुलेआम मेरे बारे में ही आज ही लिख रहे हैं कि गोली मार दो इसको, कोई एक्शन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टीवी का जो ये दौर है इसमें कोई सूचना नहीं है, तो आपको कोई घाटा नहीं होगा अगर आप नहीं देखेंगे। आप इतने नकारात्मक नहीं, मैं ये पॉजिटिव बात बोल रहा हूं। मेरे अगर आप 6 महीने के लिए आप टीवी छोड़ दें तो बहुत पॉजिटिविटी आएगी समाज में। तो आपको लगेगा कि समाज में ये लोग इस तरह से बैठ सकते हैं, अभी इन दोनों ने एक दूसरे पर तलवारें नहीं खींची हैं, समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल रहे हैं। हमारा जो मेन काम है, इसमें क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। हमारा काम देखिए, मैं रेलवे स्टेशन पे बिकने वाली सफलता के 100 मंत्र जैसी किताब नहीं बेच रहा हूं। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, जो मुझे लगता है इस समय में बोलना चाहिए वो मैं बोल रहा हूं। ये नकारात्मक बात नहीं है। अपने समय को अपनी समझ से अपने तथ्यों के साथ अगर मैं बोल रहा हूं, ये सकारात्मक बात है। आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट जबरदस्त है रवीश, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड। पहली बार मैंने आपको ऐसे फेस टू फेस सुना है और बहुत अच्छा बोलते हैं, इसमें तो खैर कोई शक है ही नहीं। कंटेंट जो है उस पर बाद में, लेकिन जैसा संदीप ने कहा, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। जैसे कल राजदीप आए थे, राजदीप ने कहा कि अगर मीडिया बटा है उस मानक मैं दुकानदार नहीं हूं। आप जिनका नाम लेकर आए हैं वो मैं बैलेंसवादी नहीं हूं। इस वक्त भारत का मीडिया भारत के अर्जित लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, ये बात तथ्य है। ये सकारात्मक नकारात्मक की बात नहीं है। मैं राजदीप को सिर्फ इसीलिए कोट कर रहा हूं। वो आप राजदीप को कोट कर दें, मेरे एडिटर रहे हैं, आप किसी को भी कोट कर दें, लेकिन जो मैं अपनी बात कहता हूं वो मैं बात कहता हूं। और ये पॉजिटिव बात है। मर्डर को आप मर्डर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक है। मैं सवाल पे आ रहा हूँ। सवाल मेरा ये था, जैसे राजदीप को और बहुत सारे लोगों को भी ऐसा लगता है कि मीडिया के बंटने के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। बिल्कुल गलत बात है, इसमें कोई संतुलन नहीं है। 90% मीडिया अगर एक तरफ हो जाए तो ये दुकान नहीं चलानी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग बट गए। फिर जो मैंने कार्यक्रम किया है फिर उसमें से आप कमियां निकाल के बताइए, फिर उस पर बात कीजिए। ये चला दीजिए कार्यक्रम और फिर उस पर बात कीजिए कि ये आपने चलाया। अच्छा, ये मत कीजिए कि आपने वो नहीं किया। तो मैं भारत का तो अखबार नहीं हूं भाई कि 300 खबरें लेकर रोज छप जाया करूंगा। मैं तो कोई एक ही करूंगा ना। तो जो एक किया, क्या उसमें संतुलन था या नहीं था, उस पर बात कीजिए फिर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आपकी बात उसे ऐसा लगता है कि आप कहते हैं कि सिर्फ मुझे देखिए, एक मैं ही हूं ठीक कर रहा हूं। ये शब्द आपने कहीं भी कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल मैंने नहीं कहा है, ना मैंने अपने बारे में। आपने कहा ना टीवी देखना बंद कर दो, मैंने कभी नहीं कहा बंद कर दो लेकिन मुझे देखो। अच्छा, मैंने कभी नहीं कहा। भारत की जनता को, ये आप लिख लें, क्योंकि हम सब की नौकरियां हैं ना, हम उसी को डिफेंड कर रहे हैं ना, वो हम करते रहे हैं, ठीक है।
भारत की जनता को अब इस देश को बेहतर करना होगा तो सबसे पहले उसे इस देश की मीडिया से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब पत्थर चलाने की बात नहीं कह रहा हूँ। जनता का बहुत से होता है, अगर वो होगा तो कंटेंट में बदलाव होगा। अभी देश बहुत गरीबी से, बहुत समस्याओं से गुजर रहा है, उस पर बात करने की ज़रूरत है, उस पर बहुत बात करने की ज़रूरत है। और जब हम बात करेंगे तो मौजूदा सत्ता से ही हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करा सकते हैं, ठीक है, है ना। और लोगों की ज़िंदगी में राहत मिलेगी। जब मैं नौकरी सीरीज कर रहा था, आप कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाएंगे, दुनिया का कोई प्राइम टाइम का एंकर 8 महीना जो नौकरी सीरीज नहीं कर पाएगा, कहीं भी आप इतिहास हो, कहीं टेलीविजन के इतिहास में, आप टेलीविजन का इतिहास 100 साल से ज़्यादा मुझे बता दीजिए, बताइए, आपने कभी किसी प्राइम टाइम को, सुकेश आप बता सकते हैं कि कभी देखा है नौकरी सीरीज करते हुए 1 लाख से ज़्यादा लोगों को लेटर मिला, वो कौन लोग थे? सारे मोदी के सपोर्टर थे। और वो जब आए तो उन्होंने कहा कि ये मीडिया बिक गया है, हम आपके पास आए हैं। उन्होंने मुझसे झूठ नहीं बोला, उन्होंने कहा हम मोदी जी के सपोर्टर हैं लेकिन हम चाहते हैं आप मेरी आवाज़ उठाएं। मैंने कहा आपकी कहानी सही होनी चाहिए बस, किसके सपोर्टर है, मेरा उसमें बिजनेस नहीं है। ओके, बस एक चीज़ और है, जैसे आपने कहा कि आपको 1 मिलियन लोग देखते हैं, वाकई आपकी बहुत फैन फॉलोइंग है, बहुत लोग देखते हैं आपको, लेकिन बाकी लोगों को आप डिसमिस क्यों कर रहे हैं? उनको भी उसी YouTube पर मिलियंस ऑफ मिलियंस, आप तुलना कर लीजिए। नहीं नहीं, तुलना नहीं, वैसे बता रहा जरूर उनको। मैंने ये भी कहा कि सारी दुनिया मुझे नहीं देखेगी। नहीं, आपने कहा ना TRP आती है तो वो गलत है, उसको नहीं मानते, पर YouTube पे उसी उसी प्लेटफॉर्म पे मैंने उसको एक उदाहरण दिया है कि ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग मुझे नहीं देखते, मुझे भी देखते हैं। और मैंने संदीप से ये भी कहा कि और ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि सारे लोग मुझे देखें, हो ही नहीं सकता, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हर दर्शक को कम से कम 3-4 मल्टीपल सोर्सेज जाकर देखने चाहिए। आज के समय में अगर आप दर्शक हैं, सूचना को महत्व देते हैं, तो कम से कम 3-4 सोर्सेज को देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो। और आप क्या देख रहे हैं इसका फैसला गंभीरता से करना पड़ेगा आपको, आप इस तरह से मजाक नहीं कर सकते। टीवी देखना कोई फुटबॉल देखना नहीं है, फुटबॉल कहीं कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी से देखते हैं, आप उस टीम को देखते हैं जो वाकई खेल रही होती है, अंत में आप देखते देखते वहाँ ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ना, कि आपका लेना देना तो है नहीं ब्राज़ील की टीम से, लेकिन आप क्यों उसमें ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं। हमारे यहाँ मनोरंजन भारती 4 क्लबों का नाम लेते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा खेला, वो खेला, तो उनके गांव के तो खिलाड़ी हैं नहीं वो लोग, तो इसका मतलब है कि वो खेल में चले गए, अब उस खेल का वो मजा लेने लगे हैं उसको लेके, तो हमें वो चीज़ देखना चाहिए जी। रवीश कुमार अक्सर अपने शो में कहते हैं कि मीडिया अपना काम सही से करे, ना कि सत्ता के आगे झुके। हम भी यही चाहते हैं कि मीडिया सरकार की नीतियों की आलोचना करे और जनता की आवाज बने, सत्ता से सवाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे TV। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.